नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। घर में तब ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है जब किसी के घर में छोटा बच्चा है और उसको डायरिया हो गया, जब किसी के शरीर में कोई बड़ा ही क्यों ना हो जब उसको डायरिया हो गया। हाँ, हमेशा जाओ बाथरूम में जाओ, हाँ लूज मोशन, पेट खराब हो गया जी, ये खाना नहीं खा, भूख नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तमाम तरह की समस्याएं। तो फिर जब डायरिया होती है तो फिर कई सारे दवाई भी कभी कभी तो किसी को सूट नहीं करता, दवाई खाओ ये नहीं, हाँ आयुर्वेदिक दवाई तो कड़वा होता है, एलोपैथिक दवाई किसी को काम नहीं करता। तो ऐसे में क्या करें, मान लो कि किसी को रात में हो गया डायरिया, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, क्या करें? कुछ तो होनी चाहिए ना, कोई रिस्पॉन्स वाली या कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको दूसरे दिन सुबह तक संभाल के रखे। तो ऐसे चीजें अगर आप सीख करके बैठेंगे, सीखने के लिए अगर आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एक बड़ा सिंपल और सरल एक टिप्स दूंगा। जरूर जब कभी भी आपके परिवार में, आपके घर में छोटे बच्चों को जब डायरिया हो, बहुत ज्यादा लूज मोशन बने, बहुत ज्यादा बाथरूम की ओर लेटिन करने के लिए निकल जाए, पेट साफ नहीं रहता, भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, तो इस प्रयोग को आप जरूर करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें आपने करना क्या है कि हमारा जो पेट है, पेट का केंद्र बिंदु होता है नाभि। हमारे जो पूर्वज, जो हमारी जो दादी जो थी, अब आजकल तो दादी दादा इनकी बात ही कोई नहीं मानता, सुनता ही नहीं है, डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं छोटे छोटे समस्या में भी, इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर ने कोई टैबलेट लिख के दे दिया, बस उसी को खाओ और मस्त रहो। तो हमारी जो जो दादी जो होती थी, या आपके भी है ना बड़े बुजुर्ग जो होते थे, इस तरह के अपने घर के चीजों से ऐसे छोटे छोटे जो समस्याओं में बहुत अच्छा नुस्खा दिया करती थी, बनाया करती थी। तो ऐसा ही कुछ फार्मूला है, ये अति प्राचीन ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में किसी सज्जन के द्वारा लिखा गया था। तो मैं कहा चलो हम भी इसी को प्रयोग करते रहते घर में, तो चलो आपके साथ चलते चलते शेयर कर लूं, क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार मेरे ऊपर इतनी ज्यादा है, काफी लोग आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, तो आपको कम से कम कुछ ऐसे चीजें भी मैं बताता चलूं जो कि आपके घर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काम आता रहे, कुछ छोटी मोटी चीजें। आपने क्या करना, अगर परिवार में किसी को डायरिया है, अतिसार का समस्या है, तो जो नाभि है ना, नाभि पेट का केंद्र बिंदु है, न केवल पेट जबकि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु नाभि है, एक तरफ से नाभि है और दूसरी तरफ से हमारा ब्रेन, ये हमारे शरीर का बड़ा अहम हिस्सा होता है, तो इनका ध्यान रखना हमें जरूरी होती है, विशेष करके पेट संबंधित समस्या में। और जहां तक अतिसार का अगर समस्या हो तो आपने क्या करना, आपने लेना है कच्चा आंवला। अगर बाजार में कच्चा आंवला नहीं मिले तो आप क्या करेंगे कि सूखा आंवला ले लीजिए, लेकर के थोड़ा पानी में उसको भिगो लेना, 12-13 घंटे तक पहले से भिगो करके रख लेना, या तो उसको पाउडर बना करके भी पहले से आप तैयार करके रखिए, सुबह शाम उसके पाउडर भी आप खा सकते हो, पाउडर भी बड़ा अच्छा काम करता है इस प्रॉब्लम में, संग्रहणी में भी काम करता है, पेट संबंधी सभी समस्याओं में इसका जो पाउडर है आंवले का बहुत अच्छा काम करता है, पाउडर बना करके रखिएगा। जब किसी को इस तरह के अतिसार का समस्या हो, डायरिया का समस्या हो, उसको हम क्या करेंगे, आटा जैसे गुथेंगे और तकरीबन 1 इंच तक उस नाभि के चारों ओर, नाभि बीच हो गया ना, तो उसके चारों ओर ऐसे करके उसको 1 इंच तक है ना, ऐसे करके गोल करके उस नाभि को कवर करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा इतना तक हो, बस एक उंगली ऊंचा हो, जैसे हम आटा करते हैं ना ऐसे, तो ऐसे करके यहां पर लगाना है, ध्यान देना, आंवले का जो पाउडर है उसका आटा जैसे गूंथ करके लगाना है। उसके बाद आपने अदरक का रस अच्छी तरह से निकाला, निकाल करके उसको थोड़ा गर्म किया और मंद सुहाता गर्म, जिसको रोगी जब वहां पर लगाए तो उसको ज्यादा जलन महसूस ना हो, उस अदरक के रस को नाभि में पूरा डाल देना है। जब वो ठंडा होने लगे तो दोबारा उसको निकाल करके फिर गरम कर लो और दूसरा पहले से ऑलरेडी जो गरम जो अदरक का रस है उसके अंदर डाल दो। आधा घंटे तक ये क्रिया आपका चलता रहेगा। उसके बाद आधा घंटे के बाद अच्छे बढ़िया सा कपड़े से उसको ढक देना।
तो देख लेना आपका जो अतिसार यानी कि जो डायरिया का प्रॉब्लम है इस आधा घंटे के अंदर में ही बंद हो जाएगा। हकीकत में बहुत अच्छा प्रयोग है। किसी किसी का अगर एक दिन के इस प्रयोग से न हो तो दो दिन करे, तीन दिन या चार दिन तक करे, तो ये हमेशा के लिए अतिसार का जो प्रॉब्लम है यानी हमेशा डायरिया होने का प्रॉब्लम है, पेट में कोई भी समस्या हो जो जिसके वजह से डायरिया हो रहा है, भोजन जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रयोग है बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल है, आसानी से कोई भी अपने घर में कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है। रात के 2 बजे समस्या हो गया तो हम कहाँ हॉस्पिटल दौड़ेंगे। इसीलिए घर में ऐसे चीज़ें जो हमारे दादी माँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग नोट करके रखते थे ऐसे चीज़ें, तो आप भी जरूर इसको नोट करके रखिए, जरूर लाभ मिलेगा। मुझे दीदी जी का विदा, जय श्री राम।